आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाना वड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो साबूदाने वड़े जो हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनते हैं, फट जाते हैं, ऑयल पी जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आपके साबूदाने वड़े बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे, एकदम फुले फुले बनेंगे। तो इसके लिए हमें साबूदाना को भिगोना पड़ेगा। तो यहाँ 1 कप हमने साबूदाना लिया है, ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है। साबूदाने को 2 से 3 बार अच्छे से धोना ज़रूरी है। इसके अंदर स्टार्च होता है, अगर वो नहीं निकालेंगे आप और डायरेक्ट गला देंगे तो साबूदाने जो हैं वो चिपचिपे रहेंगे, सोगी हो जाएंगे थोड़े से। और इसके बाद देखिए, मैंने ये पानी को फेंक दिया है और 2 से 3 बार इन्हें अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसमें जितना हमने साबूदाना लिया है उतना ही पानी लेना है, ना तो कम ना ज़्यादा, तभी परफेक्ट साबूदाना जो है वो भीगते हैं, एक एक दाना खिल के आता है। और 6 से 7 घंटे के लिए इसे इस तरह से ढक के छोड़ दें या रात भर भिगो दें अगर आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बनाना है तो। और अब हम 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, साबूदाना वड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मूंगफली को भून लेना है। तो 1/4 कप जितनी मूंगफली ली है और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि ना तो घी डालना है ना ही तेल डालना है, बस इसे 2 से 3 मिनट आप भूनेंगे ना तो इसका छिलका जो है वो इस तरह से निकल जाएगा। और इसे एक प्लेट में निकाल दें और थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद इसके छिलके आप या तो चाहें तो निकाल सकते हैं या छिलके के साथ भी इसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है और ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हाथों से या फिर आप किसी कपड़े में लेकर के इसे रगड़ लें और इसके बाद इसके थोड़े बहुत छिलके रह जाएंगे और थोड़े हम निकाल देंगे। और इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। तो इसका कोरस हमें यहाँ पर पाउडर बनाना है, यानी कि थोड़ा दरदरा पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा इसे ना चलाएं, नहीं तो इसमें से ऑयल निकलने लग जाएगा, पल्स मोड पर चलाएं। तो इस तरह से हमारा पाउडर तैयार है और एक चटनी बना लेंगे वड़े के साथ खाने के लिए। तो उसी मिक्सर जार के अंदर हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च। और यहाँ पर अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो जो चीज़ें आप व्रत में ना खाएं उन्हें आप निकाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और अगर व्रत में खा रहे हैं तो सेंधा नमक डालें। पानी डाल करके जितनी पतली चटनी आपको बनानी है उस हिसाब से आप पानी की कंसिस्टेंसी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं चाहें तो। और ये चटनी तैयार हो गई है। और साबूदाना वड़ा बनाने के लिए साबूदाने देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे साबूदाने, मैंने जैसा आपको बोला कि एक एक दाना खिल के आएगा अगर आप बराबर इसमें पानी डालेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया है तो आप इसे किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर कुछ देर के लिए फैला के रख दें, एक्स्ट्रा पानी कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद एक बड़ी परात ले लें, इसके अंदर साबूदाने और इसके अंदर हमें उबले हुए आलू डालने हैं। तो आलू जो है वो गरम गरम नहीं डालने हैं, आलू को पहले बॉईल कर लें, ठंडे हो जाएं, उसके बाद कद्दूकस करके इसके अंदर डालें। और थोड़े से कड़ी पत्ता को चॉप करके डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करके डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया, और जो पीनट्स का हमने पाउडर बनाया था मूँगफली का वो भी इसमें डाल दिया है। जीरा डाल देंगे और लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें नमक डाल देंगे, नमक या सेंधा नमक जो भी आप चाहें। और बस यही इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डलता है। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो मसल मसल के इतना भी नहीं मसलना है इसे कि हमारे जो साबूदाने हैं वो सारे मैश हो जाएं। और इसमें देखिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आलू भी आपके बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए, साबूदाना में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो साबूदाने जो हैं वड़े जो हैं तेल को पीने लग जाते हैं, तो ये इसलिए ऐसा होता है कि हमारे साबूदाना वड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं, सौगी से बनते हैं। तो ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है, हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे और इसके वड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो पहले तो अच्छे से हाथों में इसे मसल लें ताकि बिल्कुल भी इसमें दरारें ना रहें। दरारें होंगी तो क्या होगी कि तेल में जाने के बाद वो फट जाएगा वड़ा हमारा, उसमें तेल घुस जाएगा उन दरारों की वजह से उसके अंदर, और उससे साबूदाने वड़े जो हैं ऑयली होंगे, सौगी होंगे। तो इसलिए इनको शेप देना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। कुछ सेकंड्स के लिए हाथों में इस तरह से अच्छे से गोल गोल घुमा करके इसकी एक गोली बना लें और फिर इसे फ्लैट कर लें। और जो किनारे हैं उन्हें भी एक जैसा कर लें, कहीं पे भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और पतली पतली टिक्की बनाएं, बहुत ज़्यादा मोटी ना बनाएं, और सब तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। बस ये 2-3 टिप्स अगर आप ध्यान रख लेंगे ना तो साबूदाना वड़ा जो है बिल्कुल बढ़िया बनेंगे, एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे फूले फूले बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये टिक्की बना ली है और सेम तरीके से हम बाकी सारी टिक्कियाँ भी बना करके तैयार कर लेते हैं।
तो इतने मिक्सचर से हम यहाँ पर 7 से 8 साबुदाने वड़े जो हैं वो आराम से बना सकते हैं। मीडियम साइज़ के या थोड़े बड़े साइज़ के अगर आपको बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन बस टिक्की जो है वो पतली पतली बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा एक साबुदाना पहले फ्राई करके चेक करें, अगर वो फट रहा है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें कढ़ाई में ड्रॉप करते जाएंगे। और तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। और जो गैस की आँच है वो भी मीडियम रखनी है, एकदम लो फ्लेम पर करेंगे तो ऑयल पीने लग जाएंगे आलू, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर करेंगे तो जो सरफेस है वो एकदम से कड़क हो जाएगी और जलने की जैसे उनका टेक्सचर हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई होने दें, स्टार्टिंग में डालते ही ना पलटें, 1 मिनट रुकें उसके बाद इन्हें पलटें, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, अगर चम्मच इन पर ज़ोर से लगा देंगे तो उसमें क्रैक आ सकता है और वो फट जाएंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक तेल घुसने लग जाएगा अंदर और फिर साबुदाने वड़े जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे, अच्छे टेक्स्चर में नहीं बनेंगे। तो इसलिए इन्हें हल्का सा इनके ऊपर इनके जो सरफेस है वो थोड़ा कड़क होने दें, उसके बाद इन्हें पलट पलट के आप आराम से फ्राई कर सकते हैं। अपने आप ही ये हल्की होंगे, ऊपर आ जाएंगे तेल में, और फिर ये देखिए इस तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे। और गैस की आंच को धीमे कर देंगे और फिर बाकी के जो साबुदाने वड़े हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। और जब ऑयल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर में, तब गैस की आंच को मीडियम कर देंगे और फिर इसी तरह से हम बाकी सारे साबुदाना वड़ा भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको इन्हें ऑयल में तलते नहीं रहना है, 8 से 10 मिनट में जो है साबुदाने वड़े जो हैं फ्राई हो जाते हैं आराम से, जब इनकी सरफेस जो है अच्छी गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए उसके बाद इसे निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर एयर आ जाती है और एयर को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो फिर वो साबुदाने वड़े जो हैं वो ओवर कुकिंग की वजह से फट जाते हैं। तो इन 2-3 टिप्स को आप ध्यान रख लेंगे तो साबुदाने वड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे और काफ़ी देर तक ये सॉगी नहीं होंगे, जैसे रखेंगे वैसे ही रहेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, हरी चटनी के साथ इसे सर्व करिए, दही के साथ सर्व करिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए।